इसका नाम ही पवन मुक्तासन है, किसी किसी का तो करते करते पवन मुक्त हो जाता है। गैस करते करते छूट जाता है, इसका नाम पवन मुक्तासन। ऐसे आधा मिनट तक ऐसे रुकना, ये पवन मुक्तासन पादासन ये है। ऐसे बैलेंस करना दोनों तरफ, हाथ ऐसे रखने लगाओ ऊपर, ऐसे बैलेंस करना 30 डिग्री पर। थोड़ी देर में पेट दर्द करने लगता है, पेट में आग से लगने लगती है, आधा मिनट ऐसे रुकना है, कितने देर आधा मिनट करते तो ऐसे नहीं करते। पांच बार किया बस हो गया।
अब हो गया नहीं चलेगा, अब 25 बार गुरु के साथ करने पड़ेगा। चलो चलो करो ज्यादा झुकने में दिक्कत हो रही है। गति में ही शक्ति है, गति में ही प्रगति, और बिना गति के हरियाणा वाले बिना गति के दुर्गति। अरे बोलो भाई क्यों दुर्गति करा रहा है तू? हाँ, बिना गति के दुर्गति है, गति में ही प्रगति है, गति में ही शक्ति है, गति में ही स्थिति है। बाप बोलते हैं मेरे बाप, तो कर ले मेरे बाप लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, तो प्रभु से प्रार्थना करो मन मन। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या है कि जो मॉर्निंग का अभी टाइम 7 बजे के आसपास का है, लेकिन अभी भी क्या है ना, आप देखो देख पा रहे हो बैकग्राउंड में अभी प्रॉपर धूप उतनी नहीं हुई है, और इस टाइम भी अगर कोई सो के उठता है तो प्योर एनर्जी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसको 50% एनर्जी और शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकती है अभी 7 बजे के टाइम पर। और जो प्योर ऑक्सीजन लेना चाहते हैं वो तो 3-4 बजे उठते ही उठते हैं, ठीक है। बहुत कम ही लोग हैं, हमको ये लगता है कि 100% में से शायद ही 10% लोग ही ऐसे हैं जो मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास उठते होंगे, बाकी लोग नहीं। क्योंकि ये एक जो फ़ोन है ना, कि जब एक दोस्तों छोटा फ़ोन था ना, तो वो फ़ोन सही था, मतलब कि उसमें क्या होता था, फ़ोन में केवल कॉलिंग के ही लिए टाइम आदमी निकलता था, कॉल आ गया हाँ ठीक है करना है ठीक है। अब क्या है, फ़ोन में ना पूरी दुनिया दे दी है फ़ोन के अंदर, तो अब
सामने मतलब जो भी इंसान होता, चाहे मैं हूँ कोई भी हो ना, तो कोई टाइम चाह के भी नहीं निकाल सकता है। जैसा कि मैंने भी देखा है, कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और कहीं यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फेसबुक में भी आते रहते हैं, इंस्टाग्राम में भी, लिंकडिन भी, इतने सोशल मीडिया ऐप हो गए हैं कि इंसान वहाँ से निकल ही नहीं पाता है, और सारा टाइम उसका लगभग मोबाइल पे ही जाता है। तो मॉर्निंग में लोग देर से ही सोते हैं, हमको लगता है 1 बजे 2 बजे के आसपास लोग सो रहे हैं। इस समय जो सिचुएशन है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और इस समय लाइटिंग का तो जो हाल है ना कहा जाए, लाइट तो इतनी कटती है ना गर्मी में जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत लाइट कटती है भाई, दिन में भी लाइट जा रही है, रात में भी जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है, अपना तो जंगल में प्लॉट है और वहीं आ जाते हैं योगा करने के लिए, तो बढ़िया सब चल रहा है लाइफ। और अच्छा दोस्तों, क्या है कि जो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे बताऊं, मैं उनको ना कुछ इनाम देना चाहता हूँ। इनाम इनाम में मेरे घर आइए, चाय कॉफ़ी पीजिए, मेरे घर आइए, मेरे प्लॉट पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद पपीते का लगा हुआ है वो भी मैं दिखाता हूँ, इसके बाद बहन और मम्मी वगैरह लोगों के लिए मेरे पास मेहंदी भी लगी हुई है कि जिसको अपना मेहंदी की रिक्वायरमेंट है उसको मैं मेहंदी भी दे सकता हूँ, ठीक है। और कुछ फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन अब फूल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फूल तो सभी जगह है, ठीक है। और बाकी केला, केला भी लगा हुआ है हमारे प्लॉट पे इस समय, और हमारे प्लॉट पे अनार भी लगा हुआ है इस समय, और तुलसी तो लगभग सभी जगह रहती हैं। तो ये सब चीज़ें वैरायटी लगी हुई है, और ये प्लॉट पूरा खाली है। बस कुछ दिन बाद यहाँ पर मौली के बुलाने वाले हैं, और यहाँ पूरे जिस कैमरे से मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये आप देखिए। बाद ये हमारा आसन है जिसमें योगा मैं कर रहा हूँ इस समय, ये देखिए दोस्तों, ये है मेहंदी का पेड़, ये जो है मेहंदी का पेड़ है, आप देखिए। ये मेहंदी का पेड़ है, और मेहंदी के पेड़ के बाद, मेहंदी के पेड़ के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अब पपीता, ये देखिए दोस्तों, मेरे प्लॉट पे ये लगे हुए पपीता, ये देखिए। मेरे यहाँ पर एक मौसमी का पेड़ लगा हुआ था थोड़े दिन पहले, अब ये दीवार की टूट गई थी तो इस दीवार को दोबारा बनवाया गया, इस वजह से उसको हटा दिया है मिस्त्री लोगों ने, नहीं तो मेरे यहाँ मौसमी भी निकलती थी। ये तो केला के पेड़ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। अब भैया अमरूद कौन खाएगा ये बताइए, ये देखिए अमरूद, ये अमरूद लगा हुआ है, और भी अमरूद हैं, बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए अमरूद लगे हुए हैं, काफ़ी अमरूद हैं यहाँ पर, ये देखिए ये लगे हुए हैं। ये अमरूद है, और आपके सामने मैंने तोड़ा है अमरूद को, और मैं अब खाने जा रहा हूँ, बहुत टेस्टी होगा क्योंकि ये कोई मार्केट से अभी मैंने परचेस नहीं किया है इसलिए। और तो
दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इसी तरह से प्यार बनाए रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।